अभी आप सब लोग लिखते जाइए कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है और भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी पर्सन को फेशियल ग्लो चाहिए, आजकल सबको फेशियल ग्लो चाहिए, फेस की सुंदरता को बढ़ाना चाहते हैं, फेस पे ब्लेमिशेज हो, आप लोग लिखते जाइए फटाफट, ठीक है। फेशियल ग्लो चाहिए, फेस पे ब्लेमिशेज हो जाते हैं, फेस पे एक्ने के मार्क आ जाते हैं, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, अंडर आई डार्क सर्कल आ जाते हैं, ठीक है। आप साथ साथ में लिखते जाइए। अगर उम्र से पहले रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाए, वेरी गुड रश्मि जी, आप लोग साथ साथ ऐसे टाइप भी करते रहेंगे तो दूसरों को भी आसानी हो जाएगी। पर मैं चाहता हूँ आप लोग सब अपने 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 लिए खुद के नोट्स बनाइए और बाद में आप शेयर कर सकते हो, तो बाकी लोग भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो एज से पहले अगर आपको झुर्रियां आना स्टार्ट हो जाती है फेस पे, तो उसके लिए आप ईयर लोब को स्टिमुलेट कर सकते हैं इस प्रकार से। साइमल्टेनियसली अगर किसी पर्सन की, बच्चों को खास करके या बड़ों को, किसी को भी आईसेट की प्रॉब्लम हो, आईसेट की प्रॉब्लम हो, अपना विजन इंप्रूव करना है, पास की नजर है उसके लिए भी कर सकते हैं, दूर की नजर है उसके लिए भी कर सकते हैं आप, तो आंखों की रोशनी को बढ़ाना है आपको, इन सब चीजों में आप ईयर लोब का स्टिमुलेशन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर किसी को स्ट्रेस बहुत रहता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, पेल्पिटेशन बहुत होती है, तो इन सब चीजों में भी आप देखेंगे तो ईयर लोब बहुत काम करता है, ठीक है। कोई भी नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे पार्किंसन की प्रॉब्लम है, पार्किंसन का अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, बट हम स्टिमुलेट करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं ऑरिकुलर थेरेपी से, ठीक है। तो पार्किंसन में भी क्या होता है, मूवमेंट्स की प्रॉब्लम होती है, हैंड में आप देखेंगे इंस्टेबिलिटी रहती है, हाथ कांपता रहता है, मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मेमोरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है, मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब आप लिखते रहिए, ठीक है। अगर मेमोरी को एनहेंस करना चाहते हैं, छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है ऑरिकुलर का ये पॉइंट जो कि है ईयर लोब। बच्चों को बार बार टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है ईयर लोब। दांतों की प्रॉब्लम अगर हो, दांतों में दर्द होता रहे, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम का हम ट्रीटमेंट ईयर लोब पे करेंगे, मसाज करके इस प्रकार से स्टिमुलेट कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को, देखिए मैं ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, शायद वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास देखिए आपको कोई भी चीज लेने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा एक मॉइस्चराइजर लीजिए और अपना ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर किसी पर्सन को नींद की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, नींद नहीं आती है, या 8-10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे सोने के बाद भी ऐसा लगता है कि वो फ्रेश नहीं हुए, एक्टिवनेस नहीं आती है, सुबह उठ के फ्रेशनेस फील नहीं होती है, तब ऐसे टाइम पे भी आपको आपका ईयर लोब की स्टिमुलेशन करना है, बट फ्रंट साइड नहीं करना है, बैक साइड में करना है, बैक साइड ऑफ ईयर लोब। डिस्टर्ब स्लीप हो रही है आपकी, स्लीप की अगर प्रॉब्लम है, सुबह उठ के फ्रेशनेस महसूस नहीं होती है आपको, ठीक है, या जब आप 8-10 घंटे, 12 घंटे सोने के बाद भी एक्टिव नहीं रह पाते, तब ऐसे सब चीजों में आपको इस पॉइंट को, आपका जो ईयर लोब है, इसके बैक साइड में मसाज करना है, फ्रंट साइड नहीं करना है। साथ ही कोई पर्सन बहुत ग्रीफ में है, बहुत दुख में है, या आपको किसी चीज में खुशी नहीं मिल पा रही है, तब भी हम ईयर की बैक साइड पे इस प्रकार से स्टिमुलेशन करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो, आप मुझे देख पा रहे हैं शायद अच्छे से, इस प्रकार से आपको स्टिमुलेशन देना है ईयर पे, ठीक है। साथ साथ आप लिखते जाइए, आपको नहीं पता आपका ईयर लोब बहुत कुछ बोलता है डायग्नोसिस के हिसाब से भी, तो इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आप अगर आप समझिए रात को सो रहे हैं और आपको नींद नहीं आ रही, हम मोबाइल देखना स्टार्ट कर देते हैं, ऑयल लीजिए और स्टिमुलेट कीजिए, आप खुद देखेंगे कि आपको हल्का सा एक नशा जैसा महसूस होगा और आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। आपका कुछ जा नहीं रहा है, आपका पैसा नहीं जा रहा है, आपका कुछ नहीं जा रहा है, बस सोते सोते आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई मैग्नेट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सीधा बस आपके कान की बैक साइड को स्टिमुलेट कर लीजिए। अगर खुशी नहीं होती है, दुख रहता है, हैप्पीनेस की फीलिंग चाहते हो आप अंदर, तो उसके लिए भी आप बैक साइड को स्टिमुलेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई पर्सन स्पिरिचुअल लेवल में आगे जाना चाहता है, अपनी जो स्पिरिचुअल पावर्स है उनको एनहेंस करना चाहता है, ठीक है, या वो यूनिवर्स से कोई गाइडेंस लेना चाहता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि अंदर से एक मुझे गाइडेंस आती है, एंजल से बोल सकते हैं, भगवान से बोल सकते हैं, अल्लाह से बोल सकते हैं, जो भी यूनिवर्सल एनर्जी है वहां से आप कोई गाइडेंस लेना चाहते हो, उस पर्पज में भी आप अपने इस ईयर लोब को स्टिमुलेट कर सकते हो, इस प्रकार से मसाज कर सकते हो। ये फ्रंट साइड करना है, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रंट साइड ऑफ द लोब,
और ये कनेक्शन इंक्रीज करेगा आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन जो होते हैं उसको भी इंप्रूव एनहेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो अगर आपको हीलिंग पावर्स को बढ़ाना है, अगर आप स्पिरिचुअल लेवल की बात करते हैं तो उसमें भी काम करेगा, ठीक है। आप गाइडेंस लेना चाहते हैं यूनिवर्स से, वो भी आपको इस पॉइंट से मिल जाती है, स्टिमुलेशन करने से, इस एरिया से जो मैंने ऑलरेडी मार्क करके बताया आपको। साइमल्टेनियसली आप कनेक्शन बढ़ाना चाहते हैं स्पिरिचुअल लेवल का, वो भी आप स्टिमुलेशन कर सकते हैं। अगर किसी को हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हेयर कहाँ पे होता है, हमारे इस एरिया में होता है, क्राउन एरिया में होता है। तो हेयर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उनका भी ट्रीटमेंट हम ईयर लोब से कर सकते हैं। ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, उनकी डेंसिटी कम हो रही है, क्योंकि उसकी जड़ जो है वो तो आपका क्राउन ही है ना। जैसे मेल में भी देखा गया है जितने भी बाल वगैरह झड़ते हैं मोस्टली क्राउन चक्र से ही सबके बाल झड़ते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा होता है हमारा ईयर लोब, जिसे हम स्टिमुलेशन देके इन चीजों में आप बहुत अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। तो कितना टाइम करना है, इसका प्रोटोकॉल क्या है वो आप समझ लीजिए। इसे आपको 1 से 2 मिनट के लिए स्टिमुलेशन करना होता है, या मैक्सिमम 5 मिनट्स के लिए आप इसको स्टिमुलेशन दे सकते हैं। दिन में कम से कम 2 बार आपको स्टिमुलेशन देना होता है, खाली पेट देंगे तो बहुत अच्छा होता है। सुबह दे सकते हैं, रात को सोने से पहले दे सकते हैं आप। अगर नींद की प्रॉब्लम है तब आप सोने से पहले देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। अगर आपको डीप लेवल की स्लीप चाहिए आपको, या स्लीप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला पॉइंट था वो है हमारा ईयर लोब, जिसको स्टिमुलेशन देके हम इन सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स में रिजल्ट पा सकते हैं। कितनों को ये सब चीजें क्लियर हो गई है, टाइप सी अगर क्लियर हो चुकी है ईयर लोब, अहमद जी क्लियर, वेरी गुड, रश्मि जी वेरी गुड। मैं फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है ना, सब लोग वीडियो बंद करके सो गए मेरे को लग रहा है, बस रजनी मैडम ही है जो मेरे साथ बैठे है क्लास में, बाकी सब लोग क्लास करके घर पे चले गए, सो गए लग रहे हैं, या घर पे ये तो खाना खा रहे हैं। वीडियो डिसेबल, ओके ओके ओके। जहां पे हम ऐसे पार्ट की, इस एरिया की, इस रीजन की बात करेंगे जो बहुत इफेक्टिव है, और आज के लिए तो बहुत इफेक्टिव है, ताकि आपका सिस्टम है, अच्छा लिटिल बिट स्लो, ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें कवर करनी है और टाइम बहुत कम होता है, तो जितना हो सके आप अटेंटिव रहिए, लिखते रहिए, ठीक है, और समझते रहिए, क्योंकि मैं बहुत स्पेसिफिक पॉइंट बताने वाला हूँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मैम, परफेक्ट, आप तो एकदम टॉप स्टूडेंट, एकदम वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड। अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे से सीखते हो और चीजों को यूज करते हो, ठीक है।